खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सूबे में पिछले 24 घंटे में 148 नए केस सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या 6236 हो गई है। वहीं अब तक कुल 87 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जबकि जम्मू में 513 और कश्मीर में 1994 पॉजिटिव केस अभी भी एक्टिव हैं। मेरे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद जमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि कोरोना के साथ ही जीना है, लेकिन यहाँ कभी मामले बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लोगों के जहन में डर या फिर अब इसके साथ जीना शुरू कर दिया गया? विजेंद्र, बिल्कुल, जब हम जम्मू कश्मीर में लोगों की बात करें तो चूंकि जो पहला फेज था लॉकडाउन फर्स्ट जब प्राइम मिनिस्टर का अपील आया, उसके बाद जिस तरह से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद अब चूंकि रिलैक्सेशन भी है और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह है जहाँ पर आज हम पहले क्या होता था कि बैंकों के बाहर लाइनें होती थी तो कुछ परेशानी सी हो जाती थी, प्रशासन को रेड जोन में मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आज के आंकड़े आए हैं जिसमें एक बार फिर 148 केसेस हैं, 3645 लोग हालांकि जो है डिस्चार्ज भी हो गए हैं, जो कि आज के 111 लोगों को जोड़कर कुल 3645 लोग अभी तक डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन 24 सेना के जवान हैं, 8 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब बैलेट फोर्स में जहाँ पर इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत कंट्रोल से हिफाजत से चलाना होगा, मुझे लगता है इन जगहों पर अब एडवाइजरीज की और ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर सरकार आज भी कोशिश कर रही है कि ऑड इवन लॉकडाउन और शेड्यूल के तहत प्रोटोकॉल के तहत किस तरह से शॉप्स वगैरह खुलेंगे, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, ऑफिसों में हाजिरी बहुत मुहतात तरीके से लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने अब इसी हाल में जीने का प्राइम मिनिस्टर का जो अपील था उसको अमलाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को पहले महीने की तरह थोड़ा सा और भी स्ट्रांग होगा और ताकि इस तरह से नुकसान। अच्छा सैयद, एक और सवाल आपसे, सवाल यह है कि पूरे देश के अन्य राज्यों के अंदर कल से स्कूलों को खोला जाएगा, बच्चों के लिए नहीं, अध्यापक वहां पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर का सूरत हाल क्या है? जम्मू कश्मीर में चूंकि जो हमारे केसेस हैं ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो पहले से उसको प्रशासन ने या डीएमएस ने कहा हुआ कि वो स्कूल जाया करें, ऑनलाइन क्लासेस को मॉनिटर करें, बिल्डिंग का जायजा कर ले लें और वहाँ पर सफाई वगैरह का खास ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से आइंदा कुछ दिनों में टीचर्स के लिए वाजह हिदायत आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एकादुका स्कूलों में टीचर्स के आने से कहीं ना रोन के दोबारा शुरू होने लगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसी कड़ी में पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। आपको बता दें कि आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद हुए और इस ऑपरेशन को सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने बताया कि उन्हें पुलवामा के बंदजू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। इसी दौरान खुद को घेरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बना शुरू कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। Is another successful operation which has been carried out by police, CRP, and the army together. Unfortunately, we have lost a brave head constable, Kale Sunil, in this operation. Otherwise, operations so far have been very neat and clean, without any collateral damage on the civilian side and on our own side as well. Regarding Srinagar, yes, there has been a second encounter. Commenced in the morning, after having laid the cordon, the search parties, while they were approaching the first house inside the cordon, the terrorists opened fire. The fire was heavy, and in this indiscriminate fire by the terrorist, CRPF constable Sunil Kale was killed in action. Thereafter, the cordon was readjusted. The parties were repositioned.
तो दो आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन सच ये भी है कि हमारे भी एक जवान इसमें शहीद हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।